नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूँ सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मनोविज्ञान के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो कि आपके थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, रीट एग्ज़ाम 2022, सीटेट एग्ज़ाम और अन्य सभी राज्यों की जो टेट परीक्षा होती है उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। पूरे 30 ही प्रश्न हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। मेरा दावा है कि वीडियो पूरा अगर आप देखते हो तो आप यूँ सोचिएगा कि साइकोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें आप एक ही वीडियो के माध्यम से कवर कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखेंगे आपके, प्रश्न नंबर एक है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया बिने ने किया, रीड ने किया, टर्मन ने किया या आरबी केटल ने किया। तो प्रश्न संख्या एक में थोड़ा सा आपको मैं टाइम देता हूँ सही आंसर के चुनाव करने का। तो प्रश्न नंबर एक में जो विकल्प दे रखे हैं उसके आधार पर अगर हम सही विकल्प देखें तो तीसरा विकल्प आपके सही है, टर्मन के द्वारा ही बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया गया था। आपको बता दूं साथियों, बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन इस सूत्र को 1916 में टर्मन के द्वारा थोड़ा परिवर्तित किया गया था, इन्होंने इस सूत्र में इंटू 100 लगा दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस प्रकार बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा विकसित किया गया, टर्मन के द्वारा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न एक में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दो की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक है हल है, स्किनर है, पियाजे है या पावलव है। तो बताइए प्रश्न संख्या दो में कौन सा आपका विकल्प सही रहेगा। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, जीन पियाजे ने यह सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने चार अवस्थाओं, फोर स्टेज का यहाँ पर प्रतिपादन किया था। कौन कौन सी अवस्था थी, संवेदी पेशी अवस्था थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस नाम से आप इसको जानते हो। तो थर्ड विकल्प दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक है जेबी वाटसन है, कोहलर है, थार्नडाइक है और अल्फ्रेड बिने हैं। तो इनमें से अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जनक किस विकल्प में दे रखा है, प्रश्न संख्या तीन में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर दो, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक कौन है, कोहलर है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न तीन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या चार की ओर बढ़ते हैं। साथियों, इनसाइट थ्योरी का यह जो सिद्धांत है यह अंतर्दृष्टि पर आधारित है, व्यक्ति अंतर्दृष्टि के माध्यम से समस्याओं का समाधान करके सीखता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर चार की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आलपोर्ट शील गुण, थोर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद, क्रिया प्रसूत सी एल हल। तो बताइए जो विकल्प आपको गलत लग रहा है, असत्य लग रहा है, वो आपको देखना है प्रश्न संख्या चार में। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा आपके प्रश्न नंबर चार में वो रहेगा विकल्प नंबर चार, क्योंकि क्रिया प्रसूत का संबंध हल से नहीं है बल्कि क्रिया प्रसूत का संबंध किससे है साथियों, स्किनर से है। तो ये गलत दे रखा है, आपको गलत या असत्य देखना था, इसीलिए चौथा विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी शील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट ने दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थोर्नडाइक ने दिया है और मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया है। तो ये तीनों तो सत्य है लेकिन चौथा विकल्प क्या है, असत्य है, इसीलिए साथियों चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों, रिक्वेस्ट आपसे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर पाँच पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर पाँच है,
राम नई पुस्तक से पढ़ना चाहता है, परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वह पुरानी और फटी पुस्तक से ही खुशी से पढ़ता है। तो यह स्थिति है समायोजन की, भग्नाशा की, कुंठा की और संघर्ष की। तो प्रश्न नंबर 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिए 5वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, एक बार आप प्रश्न पढ़ लीजिए और फिर सही उत्तर का चयन करना। तो राइट आंसर है साथियों विकल्प नंबर 1 समायोजन, क्योंकि उसके मन में तो है नई पुस्तक पढ़ने की, उसकी मन में तो है कि भाई मैं नई पुस्तक पढूं, लेकिन परिवार की उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कमज़ोर है, और परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वह पुरानी और फटी पुस्तक से ही खुशी से पढ़ता है उसको ही। तो मतलब मन में तो है लेकिन उसको पता है कि खरीद नहीं सकते माता पिता, तो वो क्या कर रहा है, परिस्थितियों के साथ समायोजन कर रहा है साथियों, इसलिए विकल्प 1 आपके प्रश्न 5 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो 6ठा प्रश्न है, निम्न में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, शिक्षक है, बालक है, पाठ्यक्रम है और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए शिक्षा का केंद्र बिंदु इनमें से किस विकल्प में दे रखा है। साथियों वर्तमान में शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है, बालक को माना जाता है। बालक या जो छात्र होते हैं उनको ही केंद्र में रखकर सारी चीज़ें शिक्षण की जाती है। तो सेकंड विकल्प 6ठे प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है, किसके अनुसार शेष अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। हरलोक के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार, विलियम मैकडुगल के अनुसार और सिगमंड फ्रायड के अनुसार। तो 7वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर 1। हरलोक का ये मानना है कि शेष अवस्था जन्म से 2 सप्ताह या जन्म से 14 दिन तक चलती है। साथियों विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में पाए जाते हैं, गतिवाही योग्यता में पाए जाते हैं और उपरोक्त सभी में। तो 8वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन से विकल्प का आप चुनाव करोगे। साथियों व्यक्तिगत भेद या इसको आप व्यक्तिगत विभिन्नता भी कह सकते हो। आपने देखा होगा कि एक ही समय पर जन्म लेने वाले बालकों की बुद्धि अलग अलग स्तर की हो सकती है, तो इसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी। उनकी अभिवृत्ति अलग अलग हो सकती है, इसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिल जाएगी। गतिवाही योग्यता, उनका जो पेशी कौशल है साथियों वो भी अलग अलग हो सकता है, तो इन सभी में ही व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अतः उपरोक्त सभी वाला 4वां विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। साथियों वीडियो को पूरा देखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक शेयर होगा उतने ही और बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा साथियों। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। शिक्षण अनुभव को मूल्यांकन के त्रिकोण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है साथियों। मूल्यांकन के त्रिकोण में शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, अधिगम अनुभव होते हैं और मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न को देख लेंगे। तो 10वां प्रश्न है आपके, अधिगम हेतु प्रभावी उद्दीपक का होना आवश्यक है, कथन किस सिद्धांत को प्रेरित करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। तो 10वां प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प आपका सही होगा, यहाँ जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पर राइट आंसर इसका देख लेते हैं। तो 3रा विकल्प आपका सही है, ठोस अधिगम का सिद्धांत। देखो ठोस अधिगम के सिद्धांत को ही उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है साथियों। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, थोर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, जिसमें
प्राणी के सामने या सीखने वाले के सामने एक प्रभावी उद्दीपक होता है, तभी वह अनुक्रिया करता है, ऐसा इस सिद्धांत में बताया गया है। तो विकल्प नंबर 3 आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना नहीं है, पुनर्बलन की प्रक्रिया अचानक होता है, अंतर्दृष्टि का परिणाम है और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो इनमें से जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है साथियों, उनके अनुसार कौन सा सीखने के अंतर्गत शामिल नहीं होगा? देखियो, गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत 3 आपके यहाँ पर आते हैं मनोवैज्ञानिक। एक आपके कोफ का आता है, कोफ का, एक आपके कोहलर आता है और एक आपके वर्दीमर आता है साथियों। तो इन तीनों का नाम चलता है गेस्टाल्टवादियों में, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। इसको इनसाइड थ्योरी कहा जाता है, और इसमें माना गया है कि सीखना अंतर्दृष्टि का परिणाम है, अचानक होता है और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन पुनर्बलन की प्रक्रिया गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना नहीं है। तो विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न में सही है। क्लियर है सभी के? ये प्रथम विकल्प ही 11वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। तो आपके 12वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव और इनमें से सभी? तो साथियों, प्रश्न नंबर 12 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो, प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनकी उम्र बहुत कम होती है, ये लगभग 9-10 साल तक यहाँ पर रहते हैं साथियों, मैक्सिमम 10 साल तक मान लीजिए आप। अब 10 साल में सबसे बेस्ट तरीके से कैसे सीखते हैं बालक? जब वो किसी भी चीज़ का अनुभव स्वयं करेंगे तो वही सबसे बेस्ट उनके लिए होता है, अतः स्वयं किया गया अनुभव इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विकल्प 3 आपके प्रश्न 12 में सही है, स्वयं किया गया अनुभव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है और शिक्षण अनुदेशन है। तो जो कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 13 में देखना है। साथियों, 13वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 13 में सही रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 30 में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो देखो, यहाँ पर अगर बाकी के 3 विकल्पों को देखें तो ये शिक्षण के बारे में कैसे हैं, सत्य है, क्योंकि कह रहा है पहला विकल्प शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है साथियों, क्योंकि आपने देखा होगा कि शिक्षण में अगर कमी है तो उसको दूर कर सकते हो आप आसानी से। शिक्षण औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, यह विज्ञान के साथ साथ कला भी है, लेकिन अनुदेशन को या अनुवेशन को यहाँ पर शिक्षण नहीं कह सकते हो। विकल्प 4 आपके 13वें प्रश्न में राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 है, RTE 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात होगा 30, 40, 45 और 50। साथियों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस प्रश्न को कई बार पूछ लिया गया है। अगर जो यहाँ पर 1 से 5वीं तक शिक्षक छात्र अनुपात पूछे तो 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए, लेकिन 1 से 5वीं तक अगर ये भी दे रखा है कि छात्र संख्या कितनी है, 200 से अधिक है, 200 या 200 से अधिक है, तो वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है और वह 40:1 हो जाता है, मतलब 40 छात्रों पर एक शिक्षक। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। तो आपके 15वां प्रश्न है, समायोजन का तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन है ताकि संतुष्ट किया जा सके, दूसरों को संतुष्ट किया जा सके, प्रेरकों को संतुष्ट किया जा सके, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके और उद्देश्यों को संतुष्ट
किया जा सके। तो 15वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही रहेगा। देखिए 15वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं, आपके थर्ड विकल्प सही है साथियों, आवश्यकताओं को। अब ये तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 में कैसे सही है, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है समायोजन का तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन है, कि हम समायोजन कब करते हैं, कैसे करते हैं, कि खुद को जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल बना लेते हैं। किस लिए बनाते हैं, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, उनको संतुष्ट कर सके। तो थर्ड विकल्प 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है आपके, कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान की तरह होता है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतना के 3 स्तर पाए जाते हैं। तो गुण सिद्धांत कहता है, प्रकार सिद्धांत कहता है, मनोविश्लेषण सिद्धांत कहता है, या व्यवहारवाद सिद्धांत ऐसा कथन कहता है। तो प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर बताइए साथियों, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। तो राइट आंसर देख लेते हैं, 16वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है, ऐसा मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है इसका मानना है, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में ही सिगमंड फ्रायड के द्वारा मन के 3 स्तर बताए हैं। एक तो चेतन मन बताया है, एक अर्धचेतन मन बताया है, और एक आपके अचेतन मन बताया है, जिसमें चेतन मन का प्रतिशत 1/10 और अचेतन मन का प्रतिशत 9/10 या 90% है साथियों। तो नेक्स्ट, बर्फ के चट्टान की तुलना की है यहाँ पर, अपने मस्तिष्क की तुलना किससे की है, बर्फ की चट्टान की, जो थोड़ी सी तो ऊपर रहती है और बाकी का उसका अधिकतर भाग कहाँ डूबे रहता है, पानी में डूबा रहता है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। आपके 17वां प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक है सुसरो है, फ्रांसिस गाल्टन है, वुडवर्थ है और थोर्नडाइक है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही रहेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक इनमें से किस विकल्प में दे रखा है, 17वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। फ्रांसिस गाल्टन को व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को। सेकंड विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। तो 18वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के सबसे प्राचीन प्रकार किसने बताए हैं, हिप्पोक्रेट्स ने, शेल्डन ने, क्रेचमल ने और कार्ल यूंग ने। साथियों प्रश्न नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है और इसका आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 1। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा ही व्यक्तित्व के सबसे प्राचीन प्रकार बताए गए हैं, किसके द्वारा, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। तो विकल्प 1 सही है साथियों 18वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। आपके 19वां प्रश्न है, आरटी 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, 20% बच्चे, 25% बच्चे, 30% बच्चे और 40% बच्चे। तो बताइए प्रश्न नंबर 19 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। देखो 19वें प्रश्न में जो राइट आंसर है आपके वो है विकल्प नंबर 2 में, 25% वह बच्चे जो सरकार द्वारा निर्धारित जो गरीबी रेखा है साथियों, उसके नीचे जीवन यापन करने वाले जो उनके परिवार है, यदि वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे बच्चों की सुविधा के लिए उनकी फीस सरकार के द्वारा पे की जाती है, और 25% ऐसे बच्चे प्रत्येक निजी विद्यालय में होते हैं जिनकी फीस कौन पे करती है, सरकार, उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा वो निजी विद्यालयों में ग्रहण करते हैं। तो 19वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। आपके 20वां प्रश्न है, NCF 2005 के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे, दौलत सिंह कोठारी थे, ताराचंद थे और इनमें से कोई भी नहीं। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ, NCF 2005 के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार इसको भी पूछा जा चुका है। NCF 2005 के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। 21वां प्रश्न देखेंगे। देखिए 21वां प्रश्न करने से पहले यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता कर जाना साथियों कि प्रश्नों की क्वालिटी आपको कैसी लगी। किसी भी
राज्य के स्टेट की, किसी भी राज्य की टेट की परीक्षा यदि आप कर रहे हो किसी भी राज्य की, तो साथियों यहाँ पर साइकोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप पूर्णतः निःशुल्क कर सकते हो, चाहे वो किसी भी राज्य के टेट का पेपर हो। साथियों यहाँ पर पूर्णतः निःशुल्क यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी पूरी करवाता हूँ, 100-100 टेस्टों की सीरीज चलाता हूँ पूर्णतः निःशुल्क। तो 21वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह कथन किसका है? जॉनसन का है, बी एफ स्किनर का है, वाटसन का है और थ्रस्टन का है। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में ये जो कथन कहा गया है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है, ब्रूस हस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? बी एफ स्किनर के द्वारा ये कथन कहा गया है। 21वें प्रश्न में आपके दूसरा ही विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों, आपके 22 प्रश्न हैं। बालक की जिज्ञासा निम्न में से कहलाती है, भाव, मनोरचना, संवेग और आत्म प्रत्यय। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज़ें यदि आप पढ़ना चाहते हो पूर्णतः निःशुल्क, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, तो बिल्कुल आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं साथियों इस YouTube चैनल पर। बालक की जिज्ञासा इनमें से संवेग कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेग, क्योंकि जिज्ञासा क्या है? एक संवेग का प्रकार है। विलियम मैकडूगल ने बताया ना साथियों, 14 संवेग और 14 ही मूल प्रत्यय बताइए। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। थर्ड विकल्प 22 में सही है। नेक्स्ट 23 पे आते हैं। तो आपके 23वां प्रश्न है, अधिगम की प्राणवायु किसे कहा जाता है? बालक को कहा जाता है, बुद्धि को कहा जाता है, अभिप्रेरणा को कहा जाता है या संवेग को कहा जाता है? 23 का राइट आंसर बताइए, अधिगम की प्राणवायु इनमें से किसको कहते हैं साथियों? तो 23 में जो राइट आंसर है, अधिगम की प्राणवायु किसको कहते हैं? बालक को या बुद्धि को या संवेग को नहीं कहते हैं, बल्कि जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, अगर बालक सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित है तो वो किसी भी चीज़ को सीख सकता है साथियों, इसीलिए अधिगम की प्राणवायु किसको कहते हैं? अभिप्रेरणा को कहते हैं। तो विकल्प 3 आपके 23 का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। 24वां प्रश्न है आपके, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी एफ स्किनर है, थोर्न डाइक है, पावलव है और सी एल हल है। तो देखो, एक पुस्तक है जिसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म। साथियों ये पूर्णतः मनोविज्ञान से संबंधित पुस्तक है और इसके जो लेखक है वो है साथियों बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर के द्वारा ही इस पुस्तक का लेखन कार्य किया गया था। विकल्प 1 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो 25वां प्रश्न है आपके, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, शाब्दिक अनुबंधन के लिए किया जाता है, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए किया जाता है, चालक अनुबंधन के लिए किया जाता है या आकस्मिक अनुबंधन के लिए किया जाता है? तो इनमें से जो साथियों स्किनर ने अपने जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है उसमें प्रयोग करने के लिए एक बॉक्स बनाया था जिसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। अब प्रयोग करने के लिए बॉक्स बनाया तो प्रयोग खुद के सिद्धांत में किया होगा, अतः क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसी में स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रस्तुत अनुबंधन के लिए। विकल्प 2 आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो 26वां प्रश्न है, थोर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध नहीं किया? ठोस अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का प्रयास व भूल, संबंधवाद का सिद्धांत और स्थान अधिगम। तो इनमें से थोर्नडाइक ने जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है उसको किस नाम से नहीं जाना जाता है साथियों? 26 में आपको ये देखना है। तो देखो, ठोस अधिगम का सिद्धांत भी यही सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया वाला, अधिगम का प्रयास व भूल या प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी यही है साथियों, संबंधवाद का सिद्धांत या बंधवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, लेकिन स्थान अधिगम इसका नाम नहीं है, अतः 26 में आपके 4th विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो जो नियम थोर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में नहीं आता है
उसका चयन 27 में करना है। साथियों, थोर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए थे उसमें 3 तो मुख्य नियम और 5 गौण नियमों का उल्लेख किया था, जिसमें मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम था, तत्परता या तैयारी का नियम था और प्रभाव या परिणाम का नियम था। तो साथियों, 3 ही ये प्राथमिक नियमों में सम्मिलित होते हैं। साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है ये प्राथमिक नियमों में सम्मिलित नहीं होता है। तो प्रश्न विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे तो आपके 28वां प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क के अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, चिंतन के अनुकूलन पर बल देता है और प्रेरणा के अनुकूलन पर बल देता है। तो 28 जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे 28 में? राइट आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है यह तर्क या चिंतन या प्रेरणा के अनुकूलन पर बल नहीं देता है, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है कि व्यवहार बिल्कुल वातावरण के अनुकूल हो, समाज के अनुकूल हो, नियमों के अनुकूल हो। साथियों, विकल्प 2 आपके 28 में सही है। नेक्स्ट 29 पे आएंगे जो कि आपके सेकंड लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट का, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और चिन्ह अधिगम। तो इनमें से जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन है इसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है? देखो, प्राचीन अनुबंधन तो यहाँ पावलोव का है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका? स्किनर का। तो इसके क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन या फिर इसको साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जानते। किस नाम से? साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत के दो या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के दो। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 29 में सही है। चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। साथियों, यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक है जेकब एल मोरेनो है, स्टीफन एम कोरे है, जॉन ड्यूवी है और प्रोफेसर यशपाल है। तो इनमें से क्रियात्मक अनुसंधान का जनक साथियों प्रोफेसर यशपाल NCF 2005 के जनक है। किसके जनक है? NCF 2005 के जनक है प्रोफेसर यशपाल, और क्रियात्मक अनुसंधान का जनक है स्टीफन एम कोरे। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है। ये आपके पेपर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।